हे hey दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी एडवाइस दी। मेरे टमी में जो पेन था उसको लेकर के अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैंने वो अजवाइन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सबने वो अजवाइन काला नमक लेने के लिए बोला था, तो मैंने वो लिया। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। थैंक यू सो मच आप सभी की इतनी प्यारी प्यारी एडवाइस के लिए। और उसके बाद भी ना कॉन्टिन्यूसली बहुत से लोग तो मुझसे कमेंट करके पूछते भी हैं कि पेट का दर्द कैसा है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा लगता है कि आप लोगों से ना एक वो फैमिली वाला बॉन्ड हो गया, जिसमें सब लोग कंसर्न करते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली वेयर का पायल कलेक्शन। पता नहीं क्या मतलब, मुझे पायल अच्छी तो बहुत लगती है, पहनती मैं बहुत कम हूँ, लेकिन लास्ट 2 to 5 days से ना मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं अच्छी अच्छी पायल पहनूं। सो 2-3 दिन से आप मेरी वीडियोस में भी देख रहे होंगे मैं पायल वेयर कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ अपना जो मेरी डेली की पायल हैं, जिनमें से कुछ तो अभी मैंने पहनी भी नहीं है, कुछ मैंने पहन ली और कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रही वीडियो में, उन्हें दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल से और प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार चेक करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ टोटल 10 डिज़ाइंस, और इनमें से एक दो डिज़ाइन तो मतलब मैंने ऑर्डर पर बनवाए हैं, मुझे जैसे किसी के देख करके अच्छे लगे तो मैंने बनवा लिए। सो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो करंटली मैंने वियर किया हुआ है। ये मेरी फर्स्ट पायल जो मैं आज आपको दिखाऊंगी, मतलब बहुत ही प्यारी मुझे लगती है, किसी चीज़ में फंसती नहीं है, बेडशीट में ब्लैंकेट्स में ना फंसती है ना कुछ, और डेली के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा मेरे पास इसी तरह का बहुत सारा कलेक्शन है। तो सबसे पहले वो जो मैं यूजुअली डेली में वियर करती हूँ, ये एकदम प्लेन पायल, और इस तरह की पायल डेली में काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। ये देखिए, इनको क्या बोलते हैं, पटरे वाली पायल, क्योंकि ये सिंपल बिल्कुल एक चेन है, यहाँ पर इसमें घुंघरू लगे हुए हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी पायल है, डेली में एकदम परफेक्ट रहती हैं। इसके अलावा जो मैं वियर कर चुकी हूँ एक ये है, इनको मैं थोड़ा कम पहनती हूँ, मतलब इधर उधर आने जाने में जब ज़रूरत होती है, जब हम एज आ बहू कहीं जाते हैं अपने ससुराल की तरफ से तो पायल हमें पहननी होती है। लेकिन इसमें ना ये जो बहुत छोटे छोटे मोती हैं, इनमें बेडशीट फंसती है, तो मैं इनको घर में नहीं पहनती। बाकी मुझे इनका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ये आप देखिएगा काफ़ी सुंदर सी हैं। इसके अलावा ये एकदम बारीक सी, इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे, ये देखिए बिल्कुल एकदम बारीक सी पायल, और जगह जगह इसमें घुंघरू है, और ये भी ना बिल्कुल भी नहीं फंसती। इनको तो मैंने मुश्किल एक बार ही पहना है, हम लोग कहीं गए थे तब मैंने पहना था इनको, और ये बड़ी प्यारी सी लगती हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फंसती और बहुत ही अच्छी, एकदम हल्की फुल्की सी सिंपल सी सुंदर सी ये पायल हैं। एक ये वाली, इनको ये मतलब मुझे कब मेरी मम्मी ने मुझे लास्ट करवा चौथ पर ये दी थी, ये आप देखिए। इसी तरह की पायल मुझे अच्छी लगती हैं, जो हल्की फुल्की सी होती है और अलझती नहीं है किसी चीज़ वरना परेशान हो जाते हैं, सारे बेडशीट के धागे निकल जाते हैं और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, साड़ी में फंसती है तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, ये आप सीधी तरफ से मल्टी कलर में ये हैं। और एक ये मेरी काफ़ी पुरानी पायल है, लेकिन इनको भी मैंने वियर नहीं किया, पर डेली के लिए इस तरह के अच्छी लगते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं फंसती किसी भी चीज़ में। इस तरह की पायल तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एक बारीक सी चेन और यहाँ बड़ा सा हुक को इसमें ऐसे टक कर लेते हैं, डेली में पहनो या थोड़ा बहुत इधर उधर पहनो, सूट के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं, साड़ी में तो खैर नहीं दिखती, लेकिन ये सूट के साथ जब वो प्लाजो वाले सूट पहनते हैं ना, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। जूती पहननी हो, ये पहने हो तो बहुत प्यारा लुक आता है। डिज़ाइन इनका बहुत ही अच्छा सा है, अगर आपको पसंद आए ना तो इसको ईजिली ज्वेलर बना देते हैं, कोई भी डिज़ाइन दिखा के आप ईजिली बनवा सकते हैं। देखो कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन है, जो भी है यही है, बाकी सब तो एकदम प्लेन है। और एक ये बीड्स वाली पायल, और जगह जगह इसमें ऐसे फ्लावर लटकन है, ये भी बिल्कुल भी मतलब मेरी मोस्टली पायल ऐसी हैं जो फंसे ना, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है, वरना साड़ी का फॉल कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, वो फंस फंस कर चलने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इनका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा सा है। और ये वाली तो मुझे लास्ट करवा चौथ पर, लास्ट नहीं उससे पहले करवा चौथ पर, लास्ट टू लास्ट करवा चौथ पर सासू माँ ने दी थी। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, कड़ूली वाला डिज़ाइन,
ये आप देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। अच्छा, मैं ना दिखाते दिखाते फर्श पर पहुंच गई, तो वाइट में वहां क्लियरली दिख नहीं रहा था। ये आप देखिए, तो वो कड़ूली वाला डिज़ाइन, इसको एक बार मैं पैर में पहन कर दिखाऊंगी। इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। ये देखिए, वो जैसे पहले जमाने में वो कड़ूले चलते थे ना, जैसे हमारी दादी नानी पहनती थी, उस तरह का इसका लुक है। और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है पहनकर, प्लस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी लगती है। और ये सारी ही पायल ऐसी हैं जो सूट के साथ भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सो एक डिज़ाइन था ये, और जो लास्ट डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊँगी वो है ये। ये इसी करवा चौथ पर सासू माँ ने गिफ्ट की थी, मतलब मम्मी हर करवा चौथ पर हमें बिछवे पायल देती है, मुझे, मेरी जेठानी को। और ये है वो पायल जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप देखेंगे छोटे छोटे फ्लावर बीड्स इसमें लगे हुए हैं, और पूरे में ही बीड्स हैं। एकदम हैवी सी, प्यारी सी, सिंपल सोबर सी पायल है। और इसका जो ये लॉक है ना, वो भी बड़ा डिज़ाइन वाला है। आई थिंक दिख रहा है ना वीडियो में, बहुत ही प्यारा सा ये लॉक है। सो गाइज, ये था मेरा डेली का पायल का कलेक्शन, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि एज सच मुझे मैं पहनती हूँ वीडियोस में, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये चांदी की है या कैसी है। लाइक मैंने रिसेंटली वीडियोस में पहनी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये चांदी की है या आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल है तो लिंक दे दो। तो इस तरह के मिल जाती हैं, मीशो पर भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ये कुछ मेरी फेवरेट पायल थी जो मुझे सूट वगैरह के साथ अच्छी लगती है। और पता है आज क्या हुआ? अच्छा, एक चीज़ और, ये वाले बैंगल्स भी चांदी के हैं, जिनका ऑलरेडी मैं आपको डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत से लोगों का कमेंट आया इसका वेट के लिए। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, या तो ये 25 तोले में है, या फिर ये आई थिंक 27 तोले में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन मम्मी ने, मतलब सासू माँ ने, ये डिज़ाइन मेरी जेठानी जो दीदी हैं उन्हें भी बहुत पसंद आया था, उनके लिए बनवाया था ज्वेलर से। तो आई थिंक यही था, कुछ डिज़ाइन देख करके बना दिया था ज्वेलर ने, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने ना घुंघरू बहुत ज़्यादा लगा दिए, तो वो मूव नहीं हो पाए। जैसे मैं अगर ऐसे ऐसे करती तो मेरे घुंघरू बचते हैं, तो उनके वो मूव नहीं हो पाए। अगर आप लोग बनवाएं तो यही ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा घुंघरू ना लगवाएं, वरना वो बचेंगे नहीं। और ये तो पुराने हैं, तो इसलिए थोड़े बिल्कुल लगते भी नहीं है कि चांदी के हैं। और एक चीज़ बताया क्या, आज ही मैं सोच रही थी कि बेडशीट का मुझे आफ्टर वॉश रिव्यू शेयर करना था। मैं आयरन कर रही थी, अभी मैंने एक मैटरनिटी वियर शूट किया, तो मैं आयरन कर रही थी, और मैंने उसको आयरन को ऐसे ही रखा, छोड़ दिया, बेडशीट जल गई। अभी मुझे इसका आफ्टर वॉश भी देना है, और ये जल भी गई है। देखूंगी मैनेज करके, छुपा छुपू के मुझे इसका आफ्टर वॉश रिव्यू शेयर करना है। पता है, बेडशीट जला दी, उसके नीचे मैट्रेसेस प्रोटेक्टर था वो भी जल गया, और इवन मैट्रेसेस, मतलब मैट्रेस पर भी एक पूरा मार्क बन गया आयरन का। इतनी अच्छी मैं काम करने वाली हूँ, अगर किसी को बता दूँ तो मम्मी तो कहेंगी एक काम के चक्कर में 10 काम बिगाड़ती है। तो इस तरह का कुछ मैंने आज काम किया है। अभी मेरी आज ऐसा मेरे पास वीडियो कोई शूट करने के लिए थी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिले आ रहे हैं, तो वीडियो नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैटरनिटी वियर हो जाए, किस तरह का कलेक्शन हो जाए, तो वो मैंने शूट किया। बस अब हो गया, वो भी शूट हो गया, फिर मैंने सोचा पायल कलेक्शन दिखा दूँ, वो भी शूट हो गया। तो मैं चेंज करके अपना घर का काम निपटा लूँगी, थोड़ी देर आराम कर लूँगी। सो गाइज, मिलती हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। घर में रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, काढ़ा पिएं, गर्म पानी पिएं, लौंग खाएं, काली मिर्च खाएं, घर से बाहर ना जाएं, और सब सेफ रहें। मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।